अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड। मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हो लाहौरी फूडी। तो यार, मेरी तरफ से सब बहन और भाइयों को जो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं, सबको मेरी तरफ से भाई रमज़ान मुबारक हो। और इस रमज़ान में कोशिश करें कि यार अपने इर्द गिर्द के लोगों का ज़रूर ख्याल रखें और अपनों में रहें, खुश रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं आज आया हूँ निशात होटल गुलबर्ग। यहाँ पे यार मैंने लास्ट ईयर भी आपको बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बफे दिखाया था जिसपे 40% डिस्काउंट मिल रहा था। तो आज मैं अगेन आपको एडवांस में बता दूँ कि 40% डिस्काउंट मिल रहा है सिर्फ MCB के डेबिट कार्ड पे। और ये बहुत ही ज़्यादा लग्जरी होटल है, यहाँ पर इफ्तार बुफे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मिलता है। तो टाइम बहुत कम रह गया क्योंकि हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे और बड़ी मुश्किल से हम टाइम पर पहुंचे हैं। और मेरे साथ आज की वीडियो में अगेन अब्दुल्ला मौजूद है, तो हम लोग जल्दी से अंदर जाते हैं और फिर मैं आपको इसका रिव्यू देता हूं। ये निशात होटल की बिल्डिंग है और अभी मैं अंदर चलता हूं। लो जी, ये निशात होटल की ज़बरदस्त किस्म की एंट्रेंस और ये देखें कितना खूबसूरत ये बना हुआ है। भाई आप इनका एम्बियंस देखकर अंदाज़ा कर सकते हो कि किस लेवल का ये होटल है। बहुत ही ज़्यादा जो है नीट एंड क्लीन। अच्छा, इस तरफ जो है इनका बुफे एरिया, तो बुफे में कौन कौन सी डिशेज हैं ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। सबसे पहले यहाँ पर है जी पालक पनीर है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर है जी मिक्स दाल ये वाली, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है जी, इसमें है फ्राइड फिश है। ये आ गया जी मटन कौरमा। और नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आता है बीफ पुलाव। क्या बात है यार, ये देखो कमाल है, ये देखो ये है बीफ पुलाव। सुभान अल्लाह। यहाँ पर आए थे हमारे पास एग फ्राइड राइस। और उससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है चिकन कैश्यू नट्स, ठीक है, चाइनीज में है। उसके बाद यहाँ पर आ चुका है जी समोक मखली लेबनीज राइस, तो ये लेबनीज डिश है ये वाली। अच्छा यार, इसमें जो राइस है ना उसके साथ ये देखें, ये चीज़, ये फिश है, ये देखो एग्जैक्टली ये देखो ये फिश है और साथ में राइस हैं, तो ये लेबनीज कुजीन है, यानी कि ये लेबनीज है ये वाली डिश। और उसके बाद यहाँ पर मिंट रायता है, जो कि इन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ इसको ये देखें ट्रांसपेरेंट शीट से कवर रखा हुआ है। और साथ में चिकन कढ़ाई, ये चिकन कौरमा आ गया। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं नान। अच्छा, इनका जो एक सेक्शन है ना डिज़र्ट का, वो इस तरफ है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना इनका अफ्तारी का सेक्शन है, ये देखो, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ। गर्मा गर्म गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन आ गए शीरे वाले। साथ में जो है पकोड़े आ गए डिफरेंट टाइप के, देख लो दो तीन किस्म के पकोड़े हैं। और साथ में स्प्रिंग रोल हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर है जी फ्राइड फिश ये वाली। तो रज़ी को जो है वो काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है और रोज़े में भी। अब ये रजी क्या ले रहा है जी। अच्छा जी, पकौड़े भी डाल दिए। फ्राइड चिकन विंग्स हैं, चिकन विंग्स के साथ यहाँ पर आ गए हैं चिकन शवारमा। और साथ में आ चुका है जी वेजिटेबल समोसा। ये क्या चीज़ है, ये है वो। अच्छा, ये भी कोई इन्होंने ना, ये चाट है आई थिंक, लेकिन मिक्स चाट है जैसे चना चाट वगैरह होती है। तो ये सारा इनका ये वाला एरिया है अफ्तार का। और रश कोई ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। और डेजर्ट में जो है यहाँ पर चॉकलेट मफिन है, जेली है, ठीक है, फ्रूट राइफल है। और यहाँ पर कुछ पेस्ट्रीज हैं, ठीक है, एग पुडिंग आ गई, इसमें यहाँ पर खीर मौजूद है। और ये वाले आ गए शाही टुकड़े। और साथ में यहाँ पर आप देख लो यार छोटे साइज़ के क्रोसेंट और मफिन वगैरह पड़े हैं। अच्छा गाइज, ये वाला इनका ना चाट और दही भल्ले का सेक्शन है, ठीक है, जहाँ पर आपको मिलेगी फ्रूट सैलड, चना चाट है, ओके। साथ में यहाँ पर योगर्ट है, ठीक है, मिंट रायता आ जाता है, ओलिव आ जाते हैं। स्पेशल चीज़ यार ये फलाफिल प्लेट है, ये फलाफिल है, ठीक है। साथ में सैलड है,
और साथ में यहाँ पर इन्होंने अरेबिक जो है सोसिस हुमस ये रखा हुआ, ये देखो ये वाला, ठीक है। साथ में ये पिकल आ गया, सैंडविच ही है, एक ये पास्ता, साथ में चना चाट आ गया, फ्रूट सैलड है, ठीक है। अच्छी चीज़ ये है कि आपको ब्लैक ओलिव भी मिलेंगे जो आमतौर पर आपको हाइटी में नज़र भी नहीं आते। और यहाँ पर है जी दही भल्ले। तो यार एक खूबसूरत सा कॉर्नर है इनका चाट का, प्लस इनके जो सैंडविचेस वगैरह हैं फ्रूट चाट, ठीक है। बाकी इनका एक ये वाला सिटिंग हॉल है और हमें ये वाला टेबल मिला है। अफ्तारी का टाइम हो चुका था तो खजूर वगैरह तो खा चुके हैं। तो बाकी आपको मैं दिखा दूँ कि मैं लेकर आया हूँ स्प्रिंग रोल है, ठीक है, ये फलाफिल है, साथ में आ गए हैं चिकन विंग्स, ये बहुत ही यार कमाल किस्म के हैं, और ये वेजिटेबल समोसा है, चिकन शवारमा है, और साथ में फ्राइड फिश भी है, और ये कुछ पकोड़े हैं डिफरेंट टाइप के। अच्छा गाइस, अफ्तारी में आपको मिलता है यहाँ पर जामी शिरी, लेमनेड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है जी जामी शिरी वाला सूप, और ये है जी मैंगो जूस। तो ये सारे जूसेस आ गए, और उसके बाद जो है आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर चिकन विंग्स वगैरह समोसे, थोड़ा सा जामी शिरी पहले ट्राई करते हैं। माल है यार, बीच में उन्होंने लेमन भी ऐड किया हुआ। अच्छा यार, उसके बाद फ्राइड फिश, अफ्तार बफे में भी आपको फ्राइड फिश मिलती है, अफ्तार प्लस डिनर। देखिए ये वाला शवारमा, फ्राइड फिश काफ़ी अच्छी है इनकी। ये भी अच्छा है। वेजिटेबल समोसा, समोसे थोड़े से छोटे साइज के आपको मिलेंगे यहाँ पे। ये चिकन विंग्स है यार, ये देख लो चिकन विंग, थोड़े से ट्राई कर। यार यहाँ पे ना मज़े की बात है कि बुफे पे रश बहुत ज़्यादा नहीं लगा हुआ, बहुत कम लोग आए हुए हैं। ये चिकन विंग्स है, पकौड़े, पकौड़े इतने स्पाइसी नहीं है लेकिन जो है ना थोड़े से ठंडे हो चुके हैं। स्प्रिंग रोल, ये भी वेजिटेबल का, ये देख लो फलाफिल, ये भी ना बात बहुत कमाल का जायका यार इसका। मैं इनके अफ्तारी वाले सेक्शन को, यानी कि आप अफ्तार प्लेटर कह लो या स्टार्टर कह लो, इसको मैं दूंगा 9 out of 10। अफ्तारी में यार इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना यहाँ पर निशाद होटल पर, और ख़ास तौर पे यार इतनी ज़्यादा वैरायटी सैलड में और फ्रूट चाट में है। तो मैं लेकर आया हूँ इनकी पास्ता सैलड, ठीक है, और साथ में चने की सैलड है, जो से चने की सैलड यार 2-3 किस्म की है, ये देखो। और साथ में यार अच्छी चीज़ ये है कि ब्लैक ओलिव जो है ना वो अलग से इन्होंने रखे हुए हैं जो मैं लेकर आ गया हूँ। अक्सर मैंने देखा कि महंगे होते हैं तो ये हाइटी या बुफे वगैरह पे लोग नहीं रखते, तो वो पहले मैं जो है आपको दिखा दूँ इनका सैंडविच है, कोल्ड सैंडविच। फ्रेश है यार, अच्छा चना चाट है इनकी,
ये भी अच्छी है। उसके बाद ये वाली सैलड है मिक्स रेड बीन्स और ये चना चिक पीस सैलड। पास्ता सैलड है ऊपर थोड़े से ब्लैक ऑलिव। ये भी अच्छी है यार। अच्छा यार वैसे एक चीज़ है कि नॉर्मली मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा रश होता है बुफेट पे, लेकिन यहाँ पर अफ्तार कम डिनर बुफे पे इतना ज़्यादा रश नहीं है। दूसरा 40% डिस्काउंट के बाद आपकी प्राइस तकरीबन बनेगी आई थिंक 2500 रुपीज़, और फूड इनका काफ़ी फ्रेश है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये चीज़। यार इनका मेन कोर्स अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें मैं लेकर आया हूँ इनके एग फ्राइड राइस हैं, ठीक है, ये चिकन कैश्यू नट है जो कि एक चाइनीज़ है, और इसमें कैश्यू नट यार लातदार यानी अनलिमिटेड है इसमें कैश्यू नट। साथ में ये लेबनीज़ है ये वाली डिश, ठीक है, इसमें जो है ये टमाटो है इस तरह के, ये पुलाव टाइप भी आप कह लो, और साथ में ना ये फ्राइड फिश भी है इसके ऊपर ये वाली, और आई थिंक ये बोनलेस है। यहाँ पर है सलाद और यहाँ पर मौजूद है जी चिकन कौरमा प्लस मटन कौरमा, ठीक है। तो ये आ चुके हैं जी इनके असोर्टेड नान, कलवंजी वाला है और दूसरा नान है, ठीक है, और साथ में है यहाँ पर सैलड। नंबर है ना वो इनकी प्रेजेंटेशन को है, क्योंकि ये 5-स्टार होटल है निशाद होटल, तो ये आप देखो एग यहाँ पर ये फ्राइड फिश है, तो फिश की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। और बाकी खाना मैं आपके सामने जो है ट्राई कर रहा हूँ और बिल्कुल फेयर रिव्यू होता है मेरा आपको पता। पहले मैं इनके एग फ्राइड राइस, साथ में चिकन कैश्यू नट, दैट्स अमेजिंग। अच्छा इनका जो है मेन कोर्स चिकन कौरमा प्लस मटन कढ़ाई, ये देखो नान जो है इनके काफ़ी सॉफ्ट हैं, ये आप देख लो। कोई बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं, लेकिन जो मटन कौरमा ना यार इसमें इन्होंने मसाला जैसे वो भून के नहीं बनाते, भुना हुआ गोश्त कह दो आप, उस तरह का है, कोई ज़्यादा इसमें वो ग्रेवी नहीं है इसमें, तो मैं इसको दूंगा 9 out of 10। देखो बहुत ही सॉफ्ट है ये दूंगे आप देख लो फिर से। अच्छा साथ में जो है ना आप ये देख लो चिकन कौरमा, ये भी अच्छा है। लेबनीज ये जो डिश है, ठीक है, फिश विद राइस, ये भी आई थिंक हाँ बोनलेस है ये भी फिश है ना। यार आपको पता है कि एशियन जो हैं वो फिश राइस के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम पाकिस्तानी नहीं करते, तो राइस के साथ मैं भी फर्स्ट टाइम जो है फिश को ट्राई करने लगा। यार मैं इनकी लेबनीज डिश को दूंगा 9 out of 10, जो कि यार बहुत ही डिफरेंट किस्म की थी, और साथ में जो इनके फ्राइड राइस और जो मैंने ट्राई किया ना चिकन कैश्यू नट वो भी बहुत ही आला किस्म का था। गैस अब बात कर लेते हैं आज के इफ्तार बफेट के बिल की, तो बिल बना है जी 8000 रुपीज़। इसमें इन्होंने हमें ऑप्शन दी थी कि MCB का अगर आपके पास कार्ड है तो उस पर आपको 40% ऑफ मिलेगा, तो उस पर इन्होंने हमें 40% ऑफ किया, यानी 3200 रुपीज़ ऑफ हुए हैं, और हमसे हम दो लोग थे तो हमारा टोटल जो बिल बना है 5200 रुपीज़, ये आप देख सकते हो।
और बाकी अगर आपके पास किसी और बैंक का कार्ड है तो उस पर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। गाइस अफ्तारी बफे कार्ड के हम लोग बाहर आ चुके हैं निशात होटल से। तो इसका रिव्यू अगर मैं आपको दूं तो यार इसकी प्राइस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 4000 रुपये इसकी एक्चुअल प्राइस है, लेकिन उन लोगों के लिए काफ़ी मुनासिब है जिनके पास MCB का डेबिट कार्ड है। तो हम लोगों ने भी MCB के डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है, हमें 40% ऑफ मिला है। तो हम लोगों को पर हेड हमें पड़ा जी 2600 रुपीज़, जो कि मेरा ख्याल है काफ़ी मुनासिब है। वैरायटी बहुत ज़्यादा है इनकी, सैलड में जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और ख़ासतौर पर इनकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है। और एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है ना, रश बहुत कम था। जब रश कम होता ना तो यार आप आराम सुकून से जो है ना वो अफ्तारी करते हैं, और आप वहाँ पर कोई भी धक्कम बेल नहीं थी। तो मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम लोग आपके लिए अच्छा सा अफ्तारी या सैरी बफे लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।